वेलकम गाइज, आर यू HSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर यू HS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड 2022 के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे एडमिट कार्ड को लेके। कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट, सर एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा 23 जनवरी को है और एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए, मात्र 9-10 दिन का टाइम हमारे पास बचा हुआ है, क्या ये जो एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन होगा, इसीलिए हमारे एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किए जा रहे, या फिर ये जो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम है 23 जनवरी को ये कैंसिल होगा, इसी वजह से शायद जो यूनिवर्सिटी है वो एडमिट कार्ड को जारी नहीं कर रही है, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। ठीक है, तो चलिए आपका ये डाउट हम क्लियर कर देते ताकि आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहे। इन्हीं कमेंटों को देखते हुए कल हमने RHS के जो यहाँ पर आप भी कॉल कर सकते हो, ठीक है, ईमेल कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे रखे, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पर आपको करना है क्या है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए आपको भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा देते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर, ठीक है, बिकॉज अगर 23 को एग्ज़ाम है तो उस हिसाब से अभी तक आपके एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, बट वो क्यों नहीं आ रहे उसका भी रीज़न आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके सामने कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाती है, ठीक है। सो हमने कॉल किया काउंसलर को और यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है उनको, वाइस जितने भी यहाँ पर स्टाफ हमने पॉसिबल हो सका जिनको कॉल लगा उनसे बात की, तो उनका ये रिस्पॉन्स आया, उनका कहना था कि अगर राज्य सरकार का फैसला आता है तो हम यूनिवर्सिटी वाले उसको नहीं टाल सकते, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, हमने बोला कि सर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए, तो इनका यही कहना था कि अभी आपके एडमिट कार्ड टेक्निकल इशू के कारण जारी नहीं हो रहे, टेक्निकल इशू के कारण, ठीक है, इसी वजह से नहीं आ रहे। तो हमने पूछा सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है क्या, एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है क्या, तो इन्होंने बोला कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले आपके पोस्टपोन तभी हो सकते जब राज्य सरकार का फैसला हो, बिकॉज आप सभी को पता है स्टूडेंट कि राज्य सरकार का फैसला कोई नहीं टाल सकता, अगर राज्य सरकार चाहे तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है राजस्थान में और इसको सभी को मानना होगा। ठीक है, तो एक अपडेट चलिए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर न्यूज सोर्सेज के माध्यम से आपको काफ़ी अपडेट आपको मिल रहा होगा, ये देखिए क्या हालत चल रही है अभी राजस्थान में, टोटल कोरोना का रिकॉर्ड 3 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है गाइस, और 9488 नए मरीज यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, 16 घंटे पहले की खबरें देख लो NBT की, और राजस्थान कोरोना अपडेट, राजस्थान में आज 3 मरीज की मौत हो चुकी है कोरोना से। गाइज संभल के रहना थोड़ा सा, अगर बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना उसी प्रकार से जिस प्रकार आपने 2020 में किया था पालन, ठीक है। और यहाँ पर ये राजस्थान में हाईलाइट हो चुका है और इंडिया में राजस्थान काफ़ी हाईलाइट हो चुका है इस मामले में। कोरोना अपडेट, राजस्थान के सभी 33 जिलों तक फैला कोरोना, जयपुर समेत नागौर, अजमेर और अलवर में कोरोना से एक एक मौत हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो ये न्यूज़ सोर्सेज को देख देख के पढ़ पढ़ के आपको भी लग रहा होगा कि हाँ हमारा जो एग्ज़ाम है BSc नर्सिंग का वो पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है, उसी हिसाब से एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जा रहे। बट देखो यूनिवर्सिटी वालों से बात की, उन्होंने तो कोरोना का ऐसा कोई भी नहीं बताया, उन्होंने तो बोला कि अगर राज्य सरकार स्ट्रिक्ट रूल लागू करती है, पाबंदियां बढ़ाती है, तो आपका जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन भी हो सकता है, बट राज्य सरकार पाबंदियाँ बढ़ाने पर, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर राजस्थान में काफ़ी फैल चुका है गाइस, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसका जो ग्राफ है देखो आप, पहले यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल था अक्टूबर नवंबर जुलाई में, और यहाँ एकदम से उठ चुका है ये ग्राफ, तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है अगर देखा जाए तो। सो गाइज यहाँ पर इन सब से बात तो हमने की सही, और यहाँ पर जो डीन है उनके देखो कॉन्टेक्ट नंबर, उनको तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, उनको ओनली ईमेल किया जा सकता है, तो ईमेल हमने कर दिया है आपके खातिर, और बहुत ही जल्द उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, और जैसे रिस्पॉन्स आएगा उनका हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो जैसे यहाँ के डीन जो मेन है, जो RHS के मेन अध्यक्ष है, उनसे अगर रिस्पॉन्स आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है इनके पास भी वैसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हमने सोचा कि जो मेन यहाँ पर इनको जो कोऑर्डिनेट करते हैं उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर तो यहाँ पर मिले नहीं, बट ईमेल जरूर मिल गया यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पर हमने इनको ईमेल कर दिया है और ईमेल RHS को भी हमने कर दिया है,
ठीक है, RHS को। आई होप कि आपके एग्ज़ाम जल्दी हो जाए तो अच्छा है, बिकॉज अगर लेट होते तो फिर आपने जो याद कर रखा है ना उसको आप भूलते जाते हो। ये सभी के साथ होता है ऐसा, आपके साथ ही नहीं, आपने जो ताज़ा अभी याद किया अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो अच्छा रहता है, अगर पोस्टपोन होता है तो फिर दिक्कत वाली बात रहती है। आपने कितना भी अच्छा पढ़ लिया हो लेकिन जैसे टाइम, ये है ना टाइम, ये ख़तरनाक है, जैसे आप टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको भूलते जाते हो। ठीक है, तो पोस्टपोन हम चाह रहे कि नहीं हो, हम तो यही चाह रहे कि जल्दी हो जाए तो बेटर है आपके लिए, ठीक है ना। बट आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब करके आप कर सकते हो, बेल आइकन पर प्रेस करके आप कर सकते हो। ठीक है, आपके खातिर हमने देखो कि क्या नहीं किया, इनको भी ईमेल कर दिया और इन सब से बात हमने कर ली एडमिट कार्ड को लेकर, इन्होंने ओनली टेक्निकल इश्यू बताया है। ठीक है, कोरोना का ऐसा कोई नहीं कहा कि कोरोना की वजह से नहीं आ रहे, है ना। तो अब तैयारी का बंदोबस्त भी हमने आपके लिए कर रखा है, पुराने पेपर भी टेलीग्राम पर भेज रखे हैं। ठीक है, और जो GK MCQ JMK चैनल है वहाँ पर चैप्टर वाइज तैयारी हमने करवा दिए, करवा रहे हैं फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, और जैकलोन जॉब चैनल पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हमने अवेलेबल करवा रखा है। तो चलिए हम आपको दिखा देते, क्लियरिटी आपको बने रहे। सो गाइज, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो आप भी टाइम मिल जाए आपको थोड़ा सा, तो इन पर ईमेल कर देना एक इसको लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, ताकि इनको पता लग जाए। ठीक है, और आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हो इनको, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डबल दे रखे आपके लिए, यहाँ पर भी लिंक है टेलीफोन नंबर का, और यहाँ पर भी है, इन दोनों से आप टेलीफोन नंबर गेन कर सकते हो। और किन किन को करना है, चलिए हम आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं। यहाँ पर कॉल करना है आपको, आपका क्या रिस्पॉन्स बताते हैं आप कमेंट करके बताना फिर। ठीक है, मेन तो वॉइस काउंसलर है, उनको तो करना ही है। ठीक है, इसके अलावा आपको करना है यहाँ पर आपको कौन, ये एग्जामिनेशन सेक्शन कंडक्ट, यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना एग्ज़ाम कंडक्ट, क्योंकि इन्हीं को पता होता है कि कब कंडक्ट करवाना होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस नंबरों पे भी आपको कॉल करके पूछना है, और कमेंट करके अवश्य बताना कि इनका क्या रिप्लाई आता है। हमारे पास रिप्लाई आएगा हम तो वीडियो के माध्यम से बताएंगे इसे, बट जिनकी आपके पास आता है तो कमेंट अवश्य करना, क्या ये सभी से अलग अलग बातें बोलते हैं कि एक ही बोलते हैं। ठीक है, और इनको भी कर सकते हो, इनको भी कर सकते हो, और यहाँ पर काउंसलर के भी आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर भेज दूंगा नंबर, अगर इन पर नहीं हो पाता है ना कॉन्टैक्ट तो। और यहाँ पर डिपार्टमेंट तो है सही, और नर्सिंग पर जाके देख लेते एक बार क्या अपडेट है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, एग्ज़ाम तो हो जाएंगे आपके कंडक्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और पैरामेडिकल फार्मेसी की काउंसलिंग भी बहुत जल्द हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो यहाँ पर देखो एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, और चाहे तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो गाइज, यहाँ पर भी हेल्प दे रखी है आपके लिए। अब आप बोल रहे थे सर पैरामेडिकल की काउंसलिंग कब होगी, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है ओनली रिजल्ट, और रिज़ल्ट आ चुका है। अब आपकी 15-20 दिन में काउंसलिंग हो जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो पूरी प्रोसेस हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि किस प्रकार से काउंसलिंग करवानी है। सो गाइज, यही है वो चैनल जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज तैयारी करवाते हैं, GK MCQ JMK चैनल, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, रोजाना यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। केमिस्ट्री का भी चाहिए तो बोल देना, हमारे पास अवेलेबल है MCQs। और ये रहा जैकलोन जॉब चैनल, इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो ये इनका लिंक नीचे दे रखा है, और एडमिट कार्ड आपके टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है ना, कोरोना के कारण उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है ना, तो बहुत ही जल्द आपके आ जाएंगे हमें आशा है, और जैसे आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, और ये दोनों चैनल जहाँ से आप तैयारी करते हो लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार। सो आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना सेम वही रहने वाला है, और आपको इसमें टाइम जो मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा पेपर, और पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका आने वाला है। एग्ज़ाम का पैटर्न इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, जो भी आपको आता है उसको रीड करके आंसर दे देना। और रही बात आपके नेगेटिव मार्किंग की, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। और रही बात कि कितने नंबर का होगा, तो 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता है, से बायोलॉजी से 34, और बायोलॉजी से फिजिक्स से 33 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से 33 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, आपका अपना चैनल है, कमेंट करके बता सकते हो, आपके हर कमेंट देखे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट
रिप्लाई भी किया जाता है, चाहे वीडियो के माध्यम से या फिर रिटर्न में।